गाइस आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे कि वीडियो व्यूज के बेस पर आप एक कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। अब वीडियो व्यूज मतलब क्या है गाइस, मतलब जिन लोगों ने आपके वीडियो को देखा है या आपकी वीडियो से इंटरेक्ट हुए हैं उन्हीं ऑडियंस को वापस से आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम ऑडियंस। अब वो सिनेरियो क्या होता है लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू अवर WsCube Tech यूट्यूब चैनल। तो जैसा गाइस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कस्टम ऑडियंस हम बनाएंगे वीडियो व्यूज के बेस पे। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, लेट्स सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एड मैनेजर है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं ऑल टूल पे जाता हूँ, पर यहाँ पर आपको एक ऑडियंस का सेक्शन दिखेगा, आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है। मैं इसको नेट ऐप पे खोल लेता हूँ। यहाँ पर डायरेक्टली आप जब ऑडियंस सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर तीन चीज दिखेंगी, एक कस्टम ऑडियंस, एक लुकअलाइक ऑडियंस और एक आपका सेव्ड ऑडियंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब कस्टम ऑडियंस इन द सेंस क्या, लाइक ऐसी ऑडियंस जो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं, दैट इज द कॉल्ड अ कस्टम ऑडियंस। अब बिजनेसेस कुछ भी हो सकता है गाइस, आपका वेबसाइट, आपका प्रोफाइल, आपका पेज, आपके ऐसे वीडियो कंटेंट, आपका पोस्ट, ये सारा आपका कस्टम ऑडियंस में है, ये सारा आपका बिजनेसेस में ही आता है गाइस, है ना। तो यहाँ पर मैं जब क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे, जैसे वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, वीडियोस जो आज हम देखेंगे यहाँ पर, इंस्टाग्राम अकाउंट, लीड फॉर्म, इवेंट्स, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, AR, ऑन शॉपिंग एंड फेसबुक पेज, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको कस्टम ऑडियंस के। अब उसमें से एक आज हम यहाँ पर देखेंगे वीडियो व्यूज का। जैसे वीडियो से मैंने यहाँ पर क्लिक करा, देन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करा है, एंगेजमेंट क्या है यहाँ पर, एंगेजमेंट टाइम आप देखिए, एंगेजमेंट टाइप में आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा है, एंगेजमेंट, मतलब हमको यहाँ पर चूज करना है कि हम इनमें से क्या लें और उसके बेस से फिर ऑडियंस बनाएं। अब जैसे पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो, मतलब ऐसी ऑडियंस लाइक जिन्होंने हमारी वीडियो को एटलीस्ट 3 सेकेंड देखा है, फिर ऐसे यहाँ पर एटलीस्ट 10 सेकेंड, फिर लाइक पीपल हु आइदर कंप्लीटेड व्यूड एटलीस्ट 15 सेकेंड ऑन योर वीडियो, उन्होंने एक तो कंप्लीट कर लिया वीडियो या फिर उन्होंने एटलीस्ट 15 सेकेंड हमारा वीडियो देखा है। देन पीपल हु वॉच 25%, अभी क्या था ऊपर सेकंड के हिसाब से था, नीचे आपको परसेंटेज के टाइप से बता रहा है, लाइक 25%, 50%, 75%, 90%। अब इसमें आपको जो बेटर लगता है वो ऑप्शन यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं 10 सेकंड ले लेता हूँ, आपको अगर लाइक 25% लेना है 25%, मतलब यहाँ पर मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस ले लिए, यहाँ पर 10 सेकंड एंड 25%। अब दोनों को अलग अलग बोल रहा है, आपको अगर डिफरेंट वीडियो चूज करना है डिफरेंट भी ले सकते हैं, आपको अगर सिंगल वीडियो के साथ जाना है तो वो भी आप ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे चूज वीडियो यहाँ पर चूज करने के लिए बोल रहा है, मैं चूज वीडियो पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता रहा है, मगर ये लाइक दूसरे फेसबुक पेज के बिहाफ में, तो यहाँ पर हम अपना फेसबुक पेज चूज करेंगे। अब जिस पेज में आपने वो वीडियो डाला है वो पेज यहाँ पर आप चूज करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर मेरे इस पेज पे कोई भी वीडियो अपलोडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा वो डमी पेज है, लाइक हमने एक अभी क्रिएट करा है, दैट्स वाई वहाँ पर अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको ब्लैंक बता रहा है। अब जैसे यहाँ पर होगा क्या कि लाइक आपको यहाँ पर पूरी वीडियोज की लिस्ट दिख जाएगी, आपको वो वीडियो यहाँ पर चूज कर लेना, दैट्स इट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप उस वीडियो को चूज भी कर लेंगे और चूज करने के बाद डायरेक्टली आप कंफर्म करेंगे, वो आपकी ऑडियंस साइज बन जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लेना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ले सकते हैं। अब जैसे कोई आपने कैंपेन चलाया, उस कैंपेन में आपने अगर कोई एड कॉपी के अंदर आपने वीडियो लेके रखा है तो उस वीडियो को भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो आईडी पता है तो वीडियो आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। वीडियो आईडी इन द सेंस, जब आप नॉर्मल कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका एक आईडी रहता है जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड आईडी। एम्बेडेड आईडी से भी आप डाल सकते हैं। एम्बेडेड आईडी आप लेंगे, उस आईडी को यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। लाइक आपके पास सिंगल है सिंगल डाल सकते हैं, आपके पास मल्टीपल है तो मल्टीपल डाल सकते हैं, वो हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और आपने वीडियोस कितनी सारी डाली हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज इस तरीके से आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर तो कोई वीडियो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, लाइक हम हमारे पेज पे चले जाते हैं जो हमने नॉर्मली बनाया था और यहाँ से हम कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, डायरेक्टली हम फिर वहाँ पर वीडियो के ऑडियंस बना लेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको नोट नाउ कर लेता हूँ, यहाँ पर हम डायरेक्टली पोस्ट डालते हैं। यहाँ पर मैंने ये वीडियो ले लिया और डायरेक्टली इसको मैं बूस्ट कर रहा हूँ, राइट। और ये बूस्ट होने के बाद द पोस्ट इज बिंग प्रोसीड, यहाँ पर प्रोसीड में है और व्हेन इट इज़ रेडी टू व्यू, ठीक है। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वो देखते हैं कि वो वीडियो कंटेंट यहाँ पर आया है या नहीं। अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो है थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और डायरेक्टली यहाँ पर आपको वीडियो दिखा देगा। यहाँ पर फोटोज़ पे जाकर भी देख लेते हैं हम, इसे देखिए ये आपका वीडियो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और मैं अब अपने लाइक ऑडियंसेस में जाऊँगा और इसको एक बार हटाते हैं हम लोग और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे गए, देन यहाँ पर वीडियो पे गया मैं और एंगेजमेंट टाइप पे मैंने यहाँ पर ले लिया 10 सेकेंड और यहाँ पर मैं चूज वीडियो कर लेता हूँ। यहाँ पर हम पेज चेंज कर लेंगे, यहाँ पर मैंने पेज चेंज करा
देखिए डायरेक्टली वीडियो आ गया, जो हमने जस्ट अभी अपलोड करा था वही आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अभी यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं दिखा रहा है गाइस, 3 सेकंड व्यूज़ का नंबर्स नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब जब डेटा हमारे पास आएगा तो यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिखाएगा, बट अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर अभी कुछ भी आपको ब्लैंक मतलब कुछ भी नंबर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा। मैंने इसे वीडियो चूज़ कर लिया, ऐसे ही आप जब मल्टीपल वीडियोज़ की लिस्ट होगी आपके पास वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे, आप सभी वीडियोज़ को चूज़ कर सकते हैं या जिन वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आए उसको आप ले सकते हैं, वो हमारी लाइक चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने इसके बाद कन्फर्म करा इसको, फिर आप नीचे आएंगे रिटेंशन। अब रिटेंशन मतलब क्या होता है गाइस, कि लास्ट के कितने दिनों में आपको रिजल्ट आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो हाईएस्ट ड्यूरेशन होता है वो 365 ही होता है, मतलब एक साल में जितने भी आपके पास व्यूज़ आए केवल वही डेटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक आपने 5 साल पहले कोई वीडियो डाला है और 5 साल में आपको यहाँ पर लाइक 1 मिलियन व्यू आ गए हैं, आप पूरे 1 मिलियन व्यू का आप डेटा निकाल सकते हैं, नहीं। भले आपने 5 साल पहले डाला हुआ डेटा, मगर यहाँ पर केवल जो आपको डेटा मिलेगा वो लास्ट 1 ईयर का मिलेगा। इसको आप कम भी कर सकते हो, जैसे आपको लेना है यहाँ पर 90 डेज़ का लेना तो 90 डेज़ का भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पर 365 डेज़ का ही लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर 378 डालता हूँ, वैल्यू मस्ट लेस देन आपका कितना है 365 ही है, तो यहाँ पर जो भी डेटा आपको लेना है वो 365 डेज़ से कम का ही लेना है या फिर उतने नंबर्स का ही लेना है। देन ऑडियंस का नेम डाल देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने डाला 10 सेकंड वीडियो व्यूज कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर नाम भी हमको ऐसा डालना है जिससे आपको याद रहे कि आपने कौन सा लाइक ऑडियंस बनाया है और किस पर्पज़ से बनाया है, और आपको अगर डिटेल्ड में लिखना है कि इस ऑडियंस को आपने किस डेट पे बनाया है, मतलब पूरा एक डिटेल में जो एक्सपांशन होता है वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने क्रिएट करा, अभी आपकी ऑडियंस इजीली क्रिएट हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। ये हमने किसके बेस पे बनाया गाइस, ये वीडियो व्यूज़ के बेस पे यहाँ पर ये कस्टम ऑडियंस हमने यहाँ पर बनाई है। अगर अब आप इसको आपको यूज़ करना चाहते हैं ऐड के अंदर तो डायरेक्टली आप ऐड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मगर गाइस ये ऑडियंस साइज़ आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर 1000, 2000 या 50,000 की ऑडियंस है किसी काम के नहीं है। आपकी अगर ऑडियंस 6 फिगर में रहेगी, 6 to 7 फिगर में रहेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, जो हम क्वालिटी रिजल्ट कहते हैं, राइट। सो गाइज इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।